बाबा साहेब धरती आबा तो हमेशा जो लोग विरोध कर रहे थे, आज बात 15 दिन पहले धरती आबा को याद कर रहे हैं और उनके लिए 15 नवंबर के कार्यक्रम कर रहे हैं। दिल्ली से लगाकर, भोपाल से लगाकर, गांव गांव से आ ये लोग जय बिरसा कहने में लगे हुए हैं। दोस्तों, लॉकडाउन में मैं मेरा परिचय दे दूं, मैं पुलिस विभाग में PI हूं। पुलिस विभाग में मेरा नाम जितेंद्र एसके है, इंदौर में मेरी नौकरी है, अभी काम कर रहा ड्यूटी वहां पे है। लॉकडाउन के दौरान दोस्तों, उज्जैन में हमारे किसी साथी ने हमारे विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें SP से लगाकर सभी अधिकारी जुड़े हुए थे, वहां पर जय भीम बोल दिया था, जय भीम लिख दिया था। उस जय भीम की वजह से, मतलब उस लिखने की वजह से, एक SP ने जो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित था, उसने उसको चेतावनी दी, निंदा दी और कहा कि आपने ये गलत किया। उस बात को हम सभी लोगों ने संज्ञान में लेकर, दोस्तों इंडिया में तो ठीक है, विदेश तक उस बात को ले गए और उस SP को 2 महीने तक अपने मोबाइल को बंद करना पड़ा। और उसके बाद प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, पब्लिक के सामने और हम सबके सामने उसने माफी मांगी, हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आज के बाद मैं जय भीम का कभी विरोध नहीं करेगा। दोस्तों, राजस्थान में और राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश में भी हमारे समाज के जो डिविजन लोग हैं, जो दूसरे दिशाओं पे काम करते हैं, अपना दिमाग तो कुछ लगाते नहीं है, वह लोग जय जोहार का विरोध कर रहे थे, जोहार का विरोध कर रहे थे। अरे जोहार का विरोध करने वाले, अब क्या हो गया जो धरती आबा को तुम 1 महीने पहले से याद कर रहे हो? इनके कार्य, इनके ऑफिसों में, इनके घरों में धरती आबा की मूर्ति फोटो तो दूर कोई नाम तक नहीं लेता था आज से 1 साल पहले। ये आप सभी की मेहनत है दोस्तों, कि पिछले 5-6 सालों में हमने इतनी सामाजिक जन जागृति कर दी कि तमाम धार्मिक संगठन, तमाम राजनीतिक संगठन, तमाम इस देश को चलाने वाले बड़े बड़े आका, जो सदैव हमारे पुरखों का टंट्या भील, बिरसा मुंडा, बाबा साहेब, तिलका मांझी, भीमा नायक, खाचे नायक, तमाम हमारे गणवीरों का, महापुरुषों का ये विरोध करते थे, आज उनकी ही ये लोग 1 महीने पहले से जय जयकार कर रहे हैं। और उसका ये प्रमाण है कि आरएसएस जैसा संगठन जो हमें कभी आदिवासी जनजाति मानना तो दूर, हमको इंसान तक नहीं समझता, वो आज जनजाति बिरसा मुंडा के आदिवासी जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में वो घर घर गांव गांव जाकर बिरसा मुंडा की फोटो, बिरसा मुंडा के पंपलेट और बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी दे रहा है। हम लोग भी यही चाहते हैं। माता सबरी के नाम से आप लोगों ने हजारों साल से राज किया, एकलव्य के नाम से आपने हजारों साल से राज किया। हम लोग आपको चिल्ला चिल्ला के बोलते थे इन लोगों को, मनुवादियों को, कि आप यदि हमारे आदिवासी समाज, हमारे आदिवासियों का, जनजातियों का इतना ही भला और इतने हितैषी आप हो तो धरती आबा बिरसा मुंडा का तो नाम लो। दोस्तों, ये 5 साल पहले धरती आबा को नाम लेने तक से डरते थे, लेकिन आज आप सबकी ये मेहनत थी कि आज उनको 1 महीने पहले से धरती आबा को घर घर जाकर लोगों को बताना पड़ रहा है। साथियों, हमारा सामाजिक मिशन सही दिशा में चल रहा है। हमारे समाज में प्यार करते हैं तो सबको आदिवासी याद रहता है, माता पिता, दादा बाबा, सब लोग याद रहते हैं, चाहे SP के हो या SC के हो। लेकिन जैसे सरकारी नौकरी बनती, जैसे सरकारी नौकर बनता, अरे समाज की बात तो दूर, हजार लाख रुपए मदद करना तो दूर, अरे अपने घर परिवार, अपने माता पिता, अपने काका बाबा से वो सही तरीके से बात तक नहीं करता। दोस्तों, ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और उस धारणा को बदलने के लिए मेरे जैसा एक सामाजिक कार्यकर्ता सिपाही, जो वर्दी के साथ भी अपने समाज के लिए हमेशा तैयार रहता है, हमारे विभाग में ये कहते हैं हम लोग, नियम भी है कि पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे की होती है, लेकिन दोस्तों मेरी सामाजिक ड्यूटी 24 घंटे नहीं, 48 घंटे की है, डबल, और वो हमेशा मैं तैयार रहता हूं।
और मैं चाहता हूं कि हमारे देश का, हमारे समाज का कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, चाहे नौकरी में हो या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला हो, जो पढ़ा लिखा हो वो समाज की बात करे, आदिवासियत की बात करे, बिरसा टंटिया बाबा साहेब की बात करे दोस्तों, और उस मिशन में हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमें अभी उसमें 1-2% रिजल्ट दिखाई दे रहा है। इस गति को, इस दिशा को, इस रास्ते को हमको बनाए रखना है और अपने मिशन को आगे बढ़ाकर हमारी लड़ाई दोस्तों, हमको अपने आप को जिंदा भी रखना है और सामाजिक मिशन को भी जिंदा रखना है। इसलिए साथियों, मैं आप सभी जो भी सामाजिक कार्यकर्ता साथी हैं, मैं आप सबको एक बात कह दूं कि किसी की भावनाओं में आकर, किसी की बातों में आकर, आवेश में आकर आप गलत कदम न उठाए या भड़काऊ बात न करें, जिससे कि आपको दिक्कत आती है हमारे समाज के। अभी चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, या किसी भी एरिया में हमारे आदिवासी युवा जो जाबाज योद्धा है, जो सामाजिक कार्यकर्ता साथी लोग हैं, उनको कई गलत मामलों में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है दोस्तों, कई तरीके से उनको परेशान किया जाता है पुलिस प्रशासन नेताओं के द्वारा। इसलिए दोस्तों, अपने आप को सेफ रखते हुए काम करें और हमारे समाज के जो भी अधिकारी लोग हैं, जो भी आप सबको समझे, आदिवासियों को समझे, हमारे पुरखों के मिशन को समझे, हमारे आदिवासियों की जो विचारधारा है उनको समझे, ऐसे आदिवासी योद्धा अधिकारी कर्मचारी साथियों से आप सहयोग लें, मार्गदर्शन लें, प्रेरणा लें और समाज के लिए निस्वार्थ रूप से लगातार काम करें। साथियों, बातें बहुत सारी कहना है, लेकिन मैं आज सबको नमन, जोहार, जय भीम, जय बिरसा, जय आदिवासी, बहुत बहुत धन्यवाद।